हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 क्लास 7। क्लास 7 की 3.2 एक्सरसाइज है ये, और क्वेश्चन सेकंड है उसका। क्वेश्चन फर्स्ट आप कर लेंगे खुद। द रन्स स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स शोन ग्लो 615। इस तरह से, यानी कि 11 प्लेयर्स खेले हैं, एक मैच खेला है उन्होंने, इस तरह से स्कोर किया उन्होंने, ठीक है। फाइंड द मीन मीडियन मोड ऑफ दिस डेटा। ये डेटा दिया हुआ है आपको, तो आपको मीन मैंने समझाया हुआ है, मीडियन समझाई भी है, बस मॉड इसमें रह गया है। तो मॉड क्या होता है बच्चों? मॉड आपको सिंपल, सबसे पहले इसका आंसर लिख लेंगे। मॉड का आंसर क्या होगा तो आप देखिए कैसे निकालेंगे आप इसको। मॉड बिल्कुल सिंपल है बच्चों। तो आप मॉड की सबसे पहले डेफिनेशन आप समझ लें क्या होती है, और सबसे पहले ये काम करें। तो आप ये देखिए, यहां पर रिपीट सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, क्लियर है। तो यहां पर सबसे पहले मैं मॉड लिख देता हूं। मॉड की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले ये देख लें आप। सॉल्यूशन मैं सबसे पहले मॉड निकाल के दे रहा हूं आपको। मॉड मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू इज मॉड। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, रिपीटेड। तो सबसे ज्यादा रिपीट यहां पर क्या हो रहा है, देखिए आप 15 रिपीट हो रहा है, हो रहा है रिपीट, यानी कि तीन खिलाड़ियों ने 15 रन बनाए हैं, 15 रन उन्होंने स्कोर किए हैं तीन प्लेयर्स ने, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा रिपीट ये हो गया। तो मॉड इज इक्वल टू, सबसे पहला आंसर आपका क्या आ गया, तो इस डेटा का जो मॉड है वो है 15, क्लियर है। चलिए अब हम मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, इन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे। तो देखिए सबसे पहले 6, नाउ 10, फिर 10, फिर 15, फिर 15, फिर 15, उसके बाद आप देखिए और क्या आ रहा है आपका, 8 लिखना हम भूल गए यहाँ पे, तो 8 लिख दीजिए आप यहाँ पर, 8 हो गया। इसके बाद आप देखिए 15 के बाद आपका आ रहा है 50, 80 और 100। 100 भी स्कोर किया है किसी बल्लेबाज ने, और फिर 120। अब आप यहां पर है ना वापस काउंट करिए कि क्या ये 11 के 11 प्लेयर्स के स्कोर आगे कि नहीं आगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पूरे के पूरे सभी बल्लेबाजों के रन यहां पर आ गए हैं, ठीक है। अब आपको मैंने तरीका बताया था, इसको और इसको कट कर दीजिए, इसको और फिर इसको, फिर इसको और 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 इसको, और आपका जो लास्ट जो बचा है, दिस इज योर मीडियन। तो मीडियन हमारे पास में क्या आ गया, मीडियन इज इक्वल टू 15। मैंने आपको एक इवन केस भी बताया, आपके ऑड हैं, ऑड तक की है आपका काम, लेकिन इवन का भी मैंने बताया, तो वो कल वाले वीडियो में आप जरूर देख लें, कल का वीडियो जरूर चेक कर लें। मीडियन का कल टॉपिक कराया था मैंने। मॉड बिल्कुल इजी है बच्चों, मॉड निकालना बहुत इजी है। नंबर ऑफ रिपीटेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड मॉड, क्लियर। अब आप मीन निकालेंगे, तो मीन कैसे निकालना है बच्चों, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 11 है आपका, और आप इन सब का टोटल लगा लेंगे, क्लियर। जो भी डेटा दिया है इनका सबका टोटल लगा लेंगे, और इन सब का टोटल लगाएंगे बच्चों, यानी टीम ने कितना स्कोर किया है। अगर यहां पर लिखा हुआ भी होगी टोटल स्कोर टीम ने किया था, फॉर एग्जाम्पल 150 किया था, तो आप 11 का डिवाइड 150 से कर दें, तब आपको इसको टोटल लगाने की भी जरूरत नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, टीम ने स्कोर किया है, यहां पर नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसे टोटल लगा लेंगे। तो टोटल लगाने का काम आपका है, और टोटल लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें इसको फिर चेक कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये पूरा डेटा आ जाना चाहिए, और फिर इसके बाद आप इसको टोटल लगाएंगे। टोटल लगाने के बाद 11 से डिवाइड करेंगे, और आपका मीन यहां पर आ जाएगा, जो कि यहां पर आंसर है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को करना है पूरा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। आज का टॉपिक था मॉड। मॉड आज मैंने आपको बताया, इसमें कुछ भी नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, सिंपल जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वेरिएबल, वो आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो आप
3.2 के जितने भी क्वेश्चन है उसको आप कर लेंगे। एक चीज और ध्यान रखें, मॉड केवल एक ही होगा इसमें, यू नहीं है कि आपके पास में दो दो वैल्यू आ जाए, मान लो 10 10 10 लिखा हुआ है तो नहीं होगा, आपको ये ध्यान रखना है। मॉड केवल एक ही वैल्यू होती है यहां पर, ठीक है। 15 है तो 15 ही होगा, आपको दूसरा मॉड नहीं मिलेगा इसमें क्वेश्चन में, क्लियर। तो नोट कर लें ये चीज आप, और आज के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 3.2 पूरी करनी है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।